हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल देसी होइचोई कपल। हम फिर हाजिर है आपके लिए कुछ नया लेकर। तो हमारा चना मसाला रेडी हो रहा है। सॉरी, काट देंगे हम। तो हमारा चना पनीर रेडी हो रहा है। हो गया, इतना ही बोला था। ओह माय गॉड, एक और रीटेक। चना पनीर बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम पनीर को डाइस कर लेते हैं। एक पनीर का बड़ा ब्लॉक लिया हमने, उसको हमने छोटे छोटे स्लाइसेस पे काटा, मीडियम साइज। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। पनीर काफ़ी सॉफ्ट है तो बहुत ही ध्यान से काटना होगा हमें, टर्न करके छोटे छोटे क्यूब्स। देखिए, आपको ऐसे क्यूब्स करने हैं पनीर के। तो हमारा पनीर भी कट गया, हमारा जितना भी मिज़ा था वो भी रेडी हो गया। तो आइए अब हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं। वो कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम उसमें तेल डालते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम दूसरी तरफ पनीर को पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। पनीर बॉईल करने के दो फायदे, एक तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाते हैं, और दूसरा आपका पनीर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। हम फ्राई नहीं करेंगे तो हम पनीर बॉईल करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेज़पत्ता, दो लौंग और दो छोटे छोटे दालचीनी। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जैसे ही लाल होता है हल्का सा, उसमें हम दो मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और कोई गल नहीं, ये सेम रेसिपी आप भी बना सकते हो बिना प्याज लहसुन के। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दिया है, आप प्लीज़ एक नज़र देख ले। पानी बॉयल हो चुका है, इसमें थोड़ा सा नमक देंगे और हमारे जो पनीर का क्यूब्स है वो हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हो हम टाइम का बजट कैसे कर रहे हैं। दो काम एक साथ हो रहा है, एक तरफ हमारा प्याज और अदरक लहसुन लाल हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा पनीर रेडी हो रहा है। अनियन को हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है हम पनीर देख लेते हैं। अब पनीर ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, अब हम गैस ऑफ करते हैं और पनीर को स्ट्रेन कर लेते हैं। आप देख सकते हो अनियन ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमेटो ऐड करेंगे जो हमने पहले से पेस्ट करके रखा है। ये आपके दो मीडियम साइज टमेटो है। देखिए हमारा पनीर रेडी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अगर आप इसको छू के देख पाते तो, मैं छू रही हूँ और ये बिल्कुल जली जैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना पिंकिश आ गया है, जबकि हमने कुछ भी मसाला इसमें अभी नहीं डाला है। जस्ट आपका प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमेटो है, और साथ में सूखा खड़ा गरम मसाला। तो इसमें तेल ऑलरेडी छोड़ चुका है, अब हम इसमें मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। तेल छोड़ने का मतलब है कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। लाल चिली पाउडर,
हल्दी पाउडर 2 चुटकी, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। कुछ नया, कुछ अलग अलग लग रहा है ना? सोचिए 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 क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा किचन चेंज कैसे हो गया, मैं तो लास्ट टाइम कहीं और खाना बना रही थी, गैस अलग है, बर्तन अलग है। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं कुकिंग अपने इन लॉज के यहाँ कर रही हूँ। तो ये मेरी मदर इन लॉ का किचन है, आइए मैं आपको अपनी मदर इन लॉ से मिलाती हूँ। तो ये है मेरी मदर इन लॉ, मेरी प्यारी मम्मी, जो मुझे नेक्स्ट वीडियो पे खाना बना। आज हमार बौमा आज के हमें रान्ना रेसिपी देखाल, पर टाइमे बांगाली रान्ना करे हमार बौमा के देखा। तो आप लोग तब तक के लिए वेट करिएगा, बट पहले आज मेरा रेसिपी देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप हमारी मम्मी के हाथों का बंगाली फूड ट्राई करेंगे। आप देख सक रहे हो, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छे तरीके से लाल हो चुका है और पूरा कढ़ाई पे तेल आ चुका है। तो अब टाइम आ चुका है हमारा नेक्स्ट, जो हम डालना है इंग्रेडिएंट्स वो है छोला। तो अब हम इसमें हमारा पहले से बॉईल किया हुआ छोला डालेंगे। इस छोले में ऑलरेडी नमक है, इस पानी और छोले में, इसलिए हमने सब्जी में बहुत ही कम नमक डाला था। छोला और पानी ऐड हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पानी क्यों ऐड किया, तो आपको पता ही है कि पल्सेस या छोले में हमारे कितने सारे विटामिन्स, फाइबर्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें वेस्ट होने नहीं दिया है, हमने उन्हें इसमें ऐड किया है। तो हमारा चना मसाला बॉईल हो रहा है। तो आप देख सक रहे हैं, दो छोटे छोटे भाई है। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड के भाई है। तो आज मैं स्पेशल खाना बना रही थी, इसलिए हमने इनको भी इनवाइट किया ताकि ये आके टेस्ट कर सके। सो ये है जेवियर। हाय। और ये है सौम्यजीत। सौम्यजीत का एक निकनेम है, मैं आपको बता देती हूँ, वो बूढ़ों के नाम से हमारे यहाँ पे जाना जाता है। तो आपके पास अगर कोई कम उम्र की बूढ़ी होगी जो इसको परफेक्ट मैच देगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खोज रही हूँ इसके लिए एक लड़की। तो जो इसको पेयरिंग करना चाहती है, प्लीज़ मुझे बताइए। बहुदिया जी, तुम ज़्यादा सुंदर खावा तैयारी कर चो, स्पेशली चना पनीर, माय फेवरेट यू कैन से। तो आज देखी खूब सुंदरभावे गंध पे, खूब भलोभवे, तो देखा जा कि करा जाए, খেয়ে পেট ভর্তি করবো আজকে। একদম একদম একদম, তোমাদের জন্য এক কড়া ভরে করছি আমি। একদম একদম, এত সুন্দর গন্ধ আর কি বলবো। না কিছু বলে দাও, বলবো না মানে বলতে হবে। আজকে ভিডিওটা দেখছে, আজকে পেট ভর্তি করে খাও। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার টু ইচ এন্ড এভরি ফ্রেন্ডস, যারা যারা আছে ভালো করে দেখবে আর স্প্রেড লাভ, কমেন্টে বুড়িটার নাম বলবেন। ओहो, कितना एक्साइटेड हो रहा है, कमेंट में बूढ़ी का नाम बोल रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं बोल रहा है, अपनी पार्टनर कर खोज रहा है। तो आप एक काम करिए भाई, कमेंट में नंबर भी दे दीजिएगा ताकि ये आपसे बात कर सके। तो ये हमारा पहले से बनाया हुआ चार मगज, पोस्ता और काजू का पेस्ट है, जो हम इसमें 4 बड़े चम्मच डालेंगे। ये हमको लास्ट में डालना है, सेकेंड लास्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद तो पनीर जाएगा। इसको डालते ही थोड़ा सा कलर में चेंज आएगा। मैं बहुत ही अच्छा खुशबू अभी स्मेल कर पा रही हूँ, काश आप लोग भी ये स्मेल कर पाते। तो स्मेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बॉयल वाटर करके रखा है, गर्म पानी। गर्म पानी सब्ज़ी में डालने से उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, लगभग डेढ़ कटोरी, आप देख सकते हो। डालने के बाद हम इसको बॉयलिंग के लिए बैठा देंगे, बट ढक करके। उबाल आना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे हो कढ़ाई में कैसे बुलबुले उठ रहे हैं। तो अब हम इसको ढक देते हैं, मीडियम आंच में हमें इसको 2 मिनट तक पकने देना है।
तो आइए खोल के देखते हैं कि कैसा बन रहा है। हमारे 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। वाओ, ये तो बॉइलिंग होना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हो तेल पूरे कढ़ाई के जो सब्जी है उसके ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे जो हमने पहले से ही डाइस करके रखा था। सो कैप्सिकम डाल दिया है, अब हमें पनीर डालना है। बहुत ही आराम से डालें क्योंकि ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि टूटने का चांसेस है। पनीर को डाल के हमने जस्ट हल्का सा एक टर्न करना है, इसको चला देना है और फिर इसको अगेन 2 मिनट के लिए हमें ढक देना है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि खाना बनाते बनाते किचन की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा किचन पर्सन वही होता है जो खाना बनाते बनाते किचन का साफ सफाई करे और अपने किचन को क्लीन रखे। तो 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको खोलते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। बिल्कुल ही पाइपिंग हॉट है, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं हमारा छोला अच्छे से पक गया कि नहीं। तो ये रहा, बिल्कुल पक चुका है। तो हमारा फिनिशिंग टच के लिए ये कुछ चिलीज़ है 3 से 4 जिसको हमने स्लिट करके ऐड कर दिया है और ये हमारा सीक्रेट होममेड गरम मसाला। ये गरम मसाला हमने 5 ग्राम्स दिया। तो हमारा फूड रेडी है, आज के लिए इतना ही। तो आप इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें मेरी मम्मी आपके लिए बंगाली स्पेशल फूड लेकर के आएगी। तब तक के लिए थैंक यू। बट हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चना पनीर कैसा लगा।